नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस पर। आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलीगन के कुछ फार्मूले। पॉलीगन यानी कि समबहुभुज। पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन का सबसे पहले थ्योरी सुन लीजिए। बहुभुज जिसके सभी कोण बराबर तथा सभी भुजाएं बराबर हो। ये भुजा ये एच ए है और ये हाइट एच है। सभी भुजाएं बराबर हो तथा जो वृत्त के अंतर्गत हो सकता है, जिसका केंद्र ये वृत्त के अंतर्गत है, जिसका केंद्र बहुभुज के केंद्र से संपाती है, अतः केंद्र उनके सभी शीर्ष से समदूरस्थ होता है। ठीक, आइए इसके क्षेत्रफल पर ध्यान देते हैं। इस पॉलीगन के क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल जो होगा एन इंटू टोटल एन बनेंगे। हमने तो बनाया नहीं है एन, लेकिन टोटल एन बनेंगे। एन इंटू वन बाई टू इंटू ए इंटू एच। ठीक, सेकेंड नंबर क्या है? इसका पेरीमीटर पर ध्यान देते हैं। पेरीमीटर टोटल एन ये भुजाएँ हैं, मान एन भुजाएँ हैं, ये बनाएंगे तो बनेंगे, हमने बनाया नहीं अभी तक, लेकिन पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर में टोटल एन भुजाएँ हैं, तो एन और इंटू ए, ये साइड साइड जो है ए, तो टोटल एन इंटू ए ये पेरीमीटर हो गया। आइए अगले नेक्स्ट नेक्स्ट फार्मूला क्या है? नेक्स्ट फार्मूले पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट फार्मूले बहुभुज का प्रत्येक अंतः को प्रत्येक अंतः कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन माइनस टू अपान इन इंटू पाई, यानी कि 180 डिग्री। ठीक, आइए चार नंबर फार्मूला क्या है? प्रत्येक भुजा द्वारा ये अंतर्गत या परिगत वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण इजकल टू 360 डिग्री अपान इन। नेक्स्ट फार्मूला, प्रत्येक बहिष्कोण इजकल टू 360 डिग्री अपान एन। ये जो आएगा डिग्री में आएगा। ठीक, अंतःकोणों का योग इजकल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। बहिष्कोण का योग इक्वल टू 360 डिग्री। आइए कुछ